जी फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, बर्ड स्टूडियो में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम आए हैं अरशद भाई के सेटअप पे, अरशद नसीर उनका नाम है पूरा। तो अरशद भाई के सेटअप पे आए आज हम, और अरशद भाई का पूरा सेटअप आपको विज़िट करवाएंगे और उनको उनके पेयर्स दिखाएंगे कि उन्होंने कौन कौन से पेयर लगाए हुए हैं और क्या उनका ब्रीडिंग जो है वो प्रोग्रेस चल रही है। और ये आप देख ही रहे होंगे वैसे तो कि बड़ा इनका नीट और क्लीन इनका जो है वो सेटअप है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और प्रॉपर टेम्परेचर इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। सारी चीज़ जो है वो एकदम परफेक्ट की हुई हैं। तो प्लांट्स वगैरह भी थोड़े बहुत लगाए हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, कुछ पेयर्स इस तरफ लगे हुए हैं और कुछ पेयर्स जो है वो जो आपको विंडो नज़र आ रही है उसके बैक साइड पर लगे हुए हैं। तो चलिए हम अरशद भाई से मिलते हैं। और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है आज हम विज़िट पे आए हैं अरशद भाई के पास, जो हमारे पुराने फैंसियर हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड करवा रहे हैं। और अरशद भाई से मालूम करते हैं इस साल अरशद भाई का एक्सपीरियंस कैसा रहा म्यूटेशन के हवाले से, और जो चीज़ें वो ब्रीड करवा रहे हैं किस तरीके का रिज़ल्ट आया इस साल। तो चलते हैं अरशद भाई की तरफ। जी अरशद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम मोबिन भाई। जी मोबिन भाई, लव बर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मैंने तकरीबन आज से जो म्यूटेशन के अंदर में आया तो वो मुझे तकरीबन 3 साल हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हर आने वाले साल पिछले साल से ज़्यादा अच्छा मुझे जो है रिज़ल्ट मिल रहा है। जाहिर सी बात है पूरे साल की मेहनत होती है तो बंदा करता है, और अपग्रेड भी करना पड़ता है ख़ुद को, उस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला का बहुत करम है कि बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है। तो आप ये बताएं कि इस सीज़न जो आपके पास ब्रीड आई है उसको सेल परचेज करने में आपको कोई मसले मसाइल सामने आए, या क्या चीज़ें आपने ऐसी नोट की कि इसमें आपको इस बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, या ये मेरे को सेटिंग चेंज करनी चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए, क्या चीज़ें आपने ऐसी नोट की? देखें, इस काम में बहुत सारे लोग आते हैं काफ़ी नए, लेकिन वो सेलिंग परचेसिंग में तो कोई इशू नहीं होता। आपके पास जब तक क्वालिटी बर्ड है, आप ब्रीड क्वालिटी करवा रहे हो, तो सेलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये बहुत अब तो बहुत ज़्यादा नीड बढ़ गई है इस चीज़ की ना, लेकिन ये है कि इसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। आप चाहे सेलिंग करें चाहे ब्रीड लें, ये काम है पेशेंस का। आपको आहिस्ता आहिस्ता और प्रॉपर तरीके से उसके जो भी एक प्रोफेशनल तरीके से हर चीज़ का ख्याल रखते हुए, जैसे आपकी जो हाउसिंग है बर्ड की वो बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, एयर क्रॉस होना चाहिए, उसके बाद उसकी जो डाइट है बर्ड की वो बेहतरीन होनी चाहिए, उसमें सीड मिक्स हो गया या फिर जो अपना आते हैं ये अपना ब्रीडिंग सीज़न, उससे पहले आपने उसका सॉफ्ट फूड वगैरह, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मल्टी विटामिन के साथ देनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब देंगे और प्लस में जब बर्ड की एज बिल्कुल ओके होगी, क्योंकि एज बहुत मैटर करता है ब्रीडिंग के लिए, अगर अच्छी ब्रीड लेनी है तो एज होना चाहिए कम से कम 11-12 महीने का तो हो बर्ड, तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तब आप उसको ब्रीड पर लगाएं तो इंशाल्लाह वो अच्छी ब्रीड रिज़ल्ट भी देता है। अच्छा, वो कोई इशू नहीं होता। बिल्कुल अच्छा सर, देखें अभी इस टाइम पे जो ज़्यादातर देखा जा रहा है वो लोगों की शिकायत है कि बर्ड इतनी आराम से सेल नहीं हो रहा है, तो उस बारे में आप क्या बोलते हैं कि बर्ड क्यों सेल नहीं हो रहा है? देखिए, मैं फिर वही कहूँगा कि अभी सोशल मीडिया का दौर भी है, बिल्कुल हर चीज़ जो है आप अच्छा ब्रीड करवाओगे, आप उसको सोशल मीडिया पे इंट्रोड्यूस करवाते हो, आपका जो है ना नाम असल में बर्ड से बनता है, बर्ड की क्वालिटी से बनता है। जानदारी ईमानदारी तो शर्त है, सच बोलना है और अच्छा काम करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई रीज़न ऐसा रह जाता है कि बर्ड बिकने में कोई परेशानी हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ अल्लाह का नाम लेके, तवक्कल अल्लाह पे ये काम होता है, बर्ड तो ऐसी चीज़ है, लेकिन ये है कि बर्ड बिल्कुल ब्रीड करता है, और अच्छा बर्ड जब आप ब्रीड करवाओगे तो बिल्कुल सेल भी होगा, बल्कि सेल क्या होगा मैं कहता हूँ, मैंने तो ये देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि ब्रीड आने से पहले पहले आपके बर्ड बुक भी हो जाते हैं, बिल्कुल है, क्योंकि आप अच्छी चीज़ें ब्रीड करवा रहे हो तो दुनिया देख रही है। बिल्कुल है। तो चलते हैं व्यूअर्स सुहेल भाई के पास, सुहेल भाई से मालूम करते हैं कि इस बात पे सुहेल भाई का क्या एक्सपीरियंस है। जी सुहेल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स,
देखें मुबीन भाई, बिल्कुल अरशद भाई ने वही बातें की हैं जो मैं हमेशा से करता हुआ आता हूँ कि आपने अच्छा बर्ड ब्रीड करवाना, ठीक है ना। आप अच्छा बर्ड ब्रीड करवाएंगे, आपको उसको बेचने के लिए कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप जब बर्ड एक पोस्ट करते हैं तो लेने वाला लाजमी सी बात है उसकी तमाम चीज़ें नोट कर रहा था, उसने आप लाजमी सी बात है वो पैसे दे के आपसे बर्ड लेगा, तो आपके बर्ड के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी उसको नीड है, ठीक है। तो आप क्वालिटी पर काम करें तो ये प्रॉब्लम जैसे अरशद भाई ने अभी बात की आपके साथ नहीं, आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी कि आपका बर्ड नहीं बिक रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छी चीज़ ब्रीड करवाएं, कम चीज़ ब्रीड करवाएं। मैं ये नहीं कहता कि आपकी बहुत बड़ी कोई वसी एवरी होनी चाहिए, आपकी एवरी छोटी हो, आप 10 पेयर ब्रीड करवाएं, 5 करवाएं, लेकिन बर्ड अच्छा ब्रीड करवाएं। अच्छा बर्ड ब्रीड करवाएंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। और जिस तरीके से अभी एक बात अरशद भाई ने की, वो बहुत ज़बरदस्त बात है, और ये हमारे जो फैंसियर जो न्यू आ रहे हैं उनको इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपको पैशन रखना पड़ेगा, आपको सब्र। ये काम जो है ये सब्र वाले लोगों का काम है, जिसके अंदर सब्र है वही इसके अंदर उसकी जीत है, वही इस काम को कर सकता है। अगर आप में सब्र नहीं है, आप इस काम में मत आओ। आप अगर चाहते हो कि आपने आज जो है वो पैर लेना है, 2 दिन बाद उसके अंडे आ जाए और 6 दिन बाद उसके बच्चे जवान हो जाएँ, ऐसा नहीं है। अभी जिस तरीके से अरशद भाई ने कहा कि आपका बर्ड की जो है एज कम अज़ कम जो है वो 11 से 12 महीने होने चाहिए, बिल्कुल मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ। आपके बर्ड की एज कम अज़ कम 1 साल हो, उसके बाद आप उसको ब्रीड पर लगाते तो आपको ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जब बर्ड अपनी एज पूरी कर जाता है तो उसके अंदर इनफर्टिलिटी का इशू नहीं आता, डेड एंड शेल का इशू नहीं आता, क्योंकि जिस बर्ड की अच्छी एज होगी तो उसका एम्ब्रियो जो बनेगा वो भी यानी कि अच्छा बनेगा, ताकतवर होगा, उसके बाद डेड एंड शेल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कम उम्र के अंदर आप 6 महीने के 7 महीने की एज के अंदर बर्ड को ब्रीड पर लगा देते हैं, उससे आपका बर्ड ब्रीड तो कर जाता है। होता क्या है कि आपकी जो फीमेल है वो जो एग्स ले करती है उस अंडे का साइज़ नहीं होता है ना, वो उसकी कम उम्र होने की वजह से अंडे का साइज़ छोटा होता है, जिसकी वजह से वो डेड एंड शेल हो जाता है या फिर बच्चा निकलता है। तो बच्चा यानी कि इतना वीक होता है, उसका साइज़ इतना छोटा होता है, लाजमी सी बात है जितना अंडा होगा बच्चा अंडे के अंदर ग्रोथ भी उतनी ही करेगा, तो बच्चा बिल्कुल छोटा सा निकलता है जिसमें इतनी जान नहीं होती कि वो फीड की डिमांड कर सके और वो फिर एक्सपायर हो जाता है। तो जल्दबाजी करके आपके पास ब्रीड आ जाती है लेकिन हाथ कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का हमें ख्याल करके चलें तो इंशाल्लाह ताला इस काम के अंदर बहुत स्कोप है, बड़ी कामयाबी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे जितने भी न्यू फैंसियर अभी में आ रहे हैं, इस टाइम पे हर फैंसियर का माइंड यही बना हुआ है कि कमर्शियल बर्ड ब्रीड कर रहे हैं, वो पार्टी नहीं करना चाह रहे, वो अच्छी म्यूटेशन पे ब्रीड नहीं करवाना चाह रहे, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि देखें आपको, मैं हमेशा से कहता हूँ आपको अपने आप को इस काम के अंदर ज़िंदा रखना है तो अपने आप को अपग्रेड करना है, हर साल के साथ आपको अपने आप को अपग्रेडेशन आपने करनी है, तभी आपकी एक पहचान बनेगी, आपका नाम बनेगा। देखें मैं मानता हूँ कि शुरू में आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, उसका हल ये है कि आप कमर्शियल बर्ड भी लगाएं। मैं नहीं कहता कि कमर्शियल नहीं लगाएं, आप 10 पेयर कमर्शियल के लगाएं तो आप 2-3 पेयर किसी अच्छी म्यूटेशन के लगा लें, आपकी जो पहचान बनेगी, आपकी पहचान आपका कमर्शियल बर्ड आपकी नहीं बनवाएगा, आपकी पहचान आपका वो बर्ड बनाएगा जो आपने कोई अच्छी यानी कि हैवी म्यूटेशन लगाई हुई, जब आप उसको मार्केट में शो करेंगे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, आपको सबसे पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है ना। उसको आप देखें कि किस तरीके से लोग उसके अंदर इस्तेमाल करके किसे आज किस किस मकाम पर पहुंच गए, सोशल मीडिया ये जिसने पहुँचाया, नहीं तो कौन किसको जानता था। तो जब आप उसको मार्केट में शो कराएंगे तो आपकी पहचान वो बनाएगा, आपकी पहचान का बाइस वो बर्ड बनेगा, आपका कमर्शियल बर्ड नहीं। आप सारा दिन अल्बिनो लगाते रहें, सारा दिन आप डेकिनो क्रीमिनो पार्ट ब्लू लगाते रहें, आपकी वो पहचान नहीं बनेगी। जो आप कोई ऑफलाइन लगाएं, कोई आप पेलफेलो लगाएं, जो आपको यानी कि वो पहचान बना के देगा। तो आप अपने साथ साथ उसकी वर्किंग भी करते रहें, कमर्शियल के ऊपर भी काम करते रहें, दोनों तरफ चलें और हर साल अपने आप को यानी कि थोड़ा सा अपग्रेड करते रहें। आपका कहने का मतलब है अगर जो फैंसियर नए इस फील्ड में आ रहे हैं वो अगर 15 पेयर का सेटअप लगाते हैं तो 15 में से 10 पेयर वो कमर्शियल ब्रीड करवाएं, जी जी 5 पेयर वो म्यूटेशन ब्रीड करवाएं, जिससे वो अपग्रेड भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मेरा यही कहने का मकसद है कि आपकी वो वर्किंग भी चलती रहे, साथ साथ आपका कमर्शियल बर्ड भी चलता रहे, आप इसको सेल करते रहो, आप उसको मजीद उसको अपग्रेड करते रहो, उससे एक से दूसरी पे ले जाओ, दूसरे तीसरे पे ले जाओ। आपने ऑफलाइन लगाया, आपके ऑफलाइन ब्रीड हुआ, उस ऑफलाइन को आप ना सेल करो, आप उसको अगली दफ़ा पेलफेलो में ले जाओ, पेलफेलो से आप ऑफलाइन को डाइल्यूट में ले जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ बर्ड आपका जा सकता है, आपने वर्किंग अभी स्टार्ट ही नहीं की तो आपको क्या पता, जब आप वर्किंग करेंगे तो फिर आपको इसका आइडिया होगा, इसका मज़ा होगा। और ऑफलाइन ब्रीड करवाने का एक अपना ही नशा है, मैं तो ये जानता हूँ। जी भी बस जैसा कि आपको आपने सुहेल भाई की भी राय देखी सुनी
अरशद भाई की भी सुनी और मैंने जो अपना एक्सपीरियंस था वो भी आपसे शेयर किया। तो चलिए व्यूअर्स, आपने हमारी बात तो सुन ली, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा। हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको जो भी बताएं आपके फ़ायदे में जाए। वो तो चलते हैं अब अरशद भाई के सेटअप की तरफ और जो इनके पास ब्रीड वगैरह आई है, माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी अच्छे पेयर लगाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब इनके पेयर देखें तो उनका साथ साथ साइज़ भी देखिएगा। ये साइज़ जो बनने की वजह है, जो अरशद भाई ने बात की थी, उनकी एज पूरी करके आप जब बर्ड को लगाते हैं ब्रीड के ऊपर तो उनका साइज़ भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलते हैं इनके सेटअप की तरफ। ठीक है जी फ्रेंड्स, तो अरशद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और हम अब वन बाय वन जो है वो पेयरिंग्स भी देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जी अरशद भाई, तो सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं आप? जी इधर भाई, अच्छा इधर ये अपना ब्रीड आई हुई है, फार्मूल जीनो वगैरह है और भी है। ये यार गलत निकलना, इधर ये देख ले, ये अभी ये है, हाँ अभी ये बचे हैं माशाल्लाह। इधर ये पंद्रह और ये अभी एक्स वगैरह पे बैठे हुए हैं, एच भी आए हुए हैं। अच्छा का जी, का बहुत अच्छा। ये लास्ट ईयर के है, रोके थे मैंने। अच्छा जी, वही है। और दिखा रहे ये बरनाटा का पेयर है, ये इसके अपने ही। अभी जो पर्सनाटा है इनसे मेरा जो है ना बहुत ही लगाव है, वैसे तो सारे बर्ड से है लेकिन पर्सनाटा से कुछ ज़्यादा ही है। और भी ये मेल जो है एल्बिनो है और पास्टलिनो की फीमेल है। इधर से भी ये माशाल्लाह मेरा दूसरा कलेज इधर चल रहा है, इधर अभी ये फीमेल अंदर वगैरह है, फर्टाइल हैच होने वाले हैं। तो इसके अलावा ये पार्कुल ऑफलाइन है, इसको अभी केयर अप करना है। कुछ मेल में शॉर्ट हो गए थे तो अभी इंशाल्लाह मैंने अरेंज कर दिया, वो उसको केयर अप करूँगा। और इधर मेरा ये पेरफेलो का है, अभी इनका बॉक्स हटाया मैंने, ये पेरफेलो के हैं। ये इसमें फीमेल जो है ग्रीन स्प्लिट पेरफेलो स्प्लिट ब्लू है और वायलेट यूविंग पेरफेलो का मेल है। ये पार्बलो और एल्बिनो का पेयर है, ये यहाँ लाइटिंग मेरे बच्चे करते हैं। और इनके कुछ बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ, हमने जो के बनवाए हुए हैं यहाँ पर, बिलू बिचरी का और एल्बाइनो का पेयर है, उसमें ये बच्चे वगैरह आए हैं। हाँ ये बच्चे जो है ना साइजिंग के लिए ये कुछ येलो वगैरह डाल, येलो साइजिंग की वजह से होता है, साइजिंग करनी पड़ती है। अब ये पेयर है, ये भी बारबलू स्प्लिटिनो और एल्बिनो का पेयर है, ये भी सेकंड कलर पे है। हाँ ये भी सेकंड कलर है इनका, फर्स्ट तो हमने जो सेपरेट कर दिया था। जी जी, फीमेल बैठी है मेरे ख्याल से अंदर। बड़ी एग्रेसिव है ये भी, ये भी है। जी अरशद भाई जी जी, अब ये ऊपर भी जो है मेरा पास्टलिनो का पेयर है एल्बिनो के साथ, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट आता है मेरे पास। और ये पिछले साल भी मेरे पास ग्रिड की थी, इसमें अभी भी माशाल्लाह कर रहा है, अभी ये सेकंड क्रश है। इसका साइज भी जो है वो बहुत अच्छा जी है जी। तो ये चेक्स वगैरह भी आए हुए हैं, हाँ ये दिखा रहे हैं। इसमें क्रिमिनो बैठा हुआ है, एल्बिनो बैठा है और एल्बिनो स्प्लिट। और इसमें इसके अलहमदुल्ला मेरे पास हर क्रश में पास्टलिनो से क्रिमिनो आता है। ये मेरा है माशाल्लाह, ये ऑफलाइन का पेयर है,
ये मेल जो है ग्रीन ऑफलाइन ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू है और फीमेल जो है पार ब्लू ऑफलाइन है। ये भी सेकंड कलर्स भी अभी आ गया और हैचिंग शुरू हुई है इसकी। ये हैचिंग अभी इनकी स्टार्ट हुई है, हैचिंग अभी इसकी स्टार्ट हुई है। अभी ये सेकंड जो है ना ये माशाल्लाह जो है ना ऑफलाइन बैठा हुआ है और स्प्लिट ऑफलाइन। ठीक है। इधर भी एल्बिनो का पेयर है, एल्बिनो टू एल्बिनो है। ये असल में अभी दोबारा जो है ना ब्रिड पर आए, इनके बच्चे सेपरेट कर दिए हमने। लिंग आ गई है इनकी जी, लिंग आ रही है इसकी। अभी इसका भी सेकंड कलर है, अभी तकरीबन मेरे पास सारे सेकंड जो है ना उसके कलर आ रहा है, आ गया है वो। ये एल्बिनो और एल्बिनो स्प्लिट का पेयर है। ये देखना ये सारे माशाल्लाह रेड आई बैठा हुआ है एल्बिनो वगैरह। अच्छा, ये स्प्लिट से निकले सारे रेड आईज जो है? नहीं, इसमें इसमें कुछ बच्चे जो है वो हमने फॉस्टरिंग किए हुए के साइजिंग वगैरह के लिए। अच्छा अच्छा, क्योंकि बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं इसके पीछे। लेकिन ज़्यादातर जो है वो रेड टू रेड के हैं। ज़्यादातर रेड टू रेड है ये। रेड टू रेड बिल्कुल ब्रीड करता है अगर एज पूरी हो तो। ये भी एल्बिनो का पेयर है, ये भी एल्बिनो का पेयर है, स्प्लिट टू रेड आई का। इधर ये है, अभी इसका मैंने बहुत हटा दिया है यहाँ से। अच्छा, ये पट्टे हैं सारे? हाँ, ये भी यहाँ पट्टे हैं, ये स्प्लिट। हाँ, बाकी वो जो साइजिंग हम करते हैं ना तो उसमें हम एक साइज़ के हम यानी बच्चे शिफ्ट करते हैं एक जगह पर, तो उसकी वजह से ये पार्बल वगैरह भी बैठे हुए हैं। तो अभी ये इंशाल्लाह एक दो दिन में इसको सेपरेट कर। जी अर्शद भाई, तो इस तरफ क्या लगाया हुआ है आपने? अच्छा, ये जो है ना ये सारे माशाल्लाह मेरे पसनाटा है और पसनाटा मुझे बेसिकली बहुत पसंद है। जब मैंने अर्शद कोई 3-4 साल पहले काम शुरू किया था तो भी मैंने पसनाटा से स्टार्ट लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह तब से मेरे पास हैं। इनकी ब्रीड में रोकता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ मैं, तो ये माशाल्लाह मैंने इसलिए मैंने रखे हुए हैं। इनके कलर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, मुझे पसंद है इनके। तो अभी माशाल्लाह बहुत ब्रीड कर रहे हैं, तो इनकी भी ब्रीड आई हुई है? जी जी, इनकी भी माशाल्लाह आए हुए हैं। वो मेरे ख्याल से आपने इसके पट्टे भी अलग किए हैं? काफ़ी मैंने वो सेपरेट कर दिए इनके। अभी ये दूसरा कलर के अभी हेचिंग वगैरह होने वाली है। अच्छा, ये मैं आपको इसमें एक दिखा देता हूँ। इसमें देखें, ये बच्चे बैठा, ये माशाल्लाह सारे पसराटा है। इस तरह से मेरे पास जो है सारे बॉक्सेस में अलहमदिल्ला ब्रीड आ रही है और ये सेकंड कलर चल रहा है। अर्शद भाई, तो ये पसराटा के जो आपने बच्चे और जो दूसरे बच्चे हैं वो जो अलग किए हैं वो किस तरह बच्चे? हाँ, ये पसराटा के तो मैंने आपको दिखाया। अच्छा, मैं आपको कुछ जो है ना वो और भी मेरे चिक्स हैं जो मैंने सेपरेट किए हैं, तो वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आज जी अर्शद भाई, तो जो पट्टे अलग किए वो पोर्शन आपने अलग बनाया हुआ है पट्टों के लिए? अच्छा, मैंने पट्टों के लिए जो है ना मैंने इधर से थोड़ा अलग इसका पोर्शन बनाया। जी जी, यहाँ पर भी इसीलिए बनाया ताकि थोड़ा ये सेपरेट हो और बिल्कुल इजीली मूव करें और जो है स्ट्रेस वगैरह में ना आए, आना जाना बहुत कम से कम होता है यहाँ पर। तो इनको मैंने इधर बिल्कुल सेपरेट जगह दी हुई है। अभी भी ये यहाँ पर ये सारे पट्टे जो है ये इसी साथ के हैं, लेकिन फर्स्ट कलर्स के मैंने अलहदा किए हुए हैं। ये इसके अंदर स्प्लिट्स हैं एल्बिनो के, और अभी आपको मैं दिखाऊँ ये नीचे ये क्रिमिनो है और एल्बिनो स्प्लिट्स है इधर, और एक एल्बिनो भी है। तो उसके नीचे भी फिर ये प्लूटिनो है, बारब्लू प्लूटिनो है, ब्लू फिशरी प्लूटिनो है। इस तरह से ये सारे बैठे हुए हैं। तो अभी ये भी ये पसराटे हैं, वो गार्ड में वायलेट में है और ग्रीन में है। अच्छा, इधर आप आगे थोड़ा मैं आपको इधर दिखाऊँ, ये पार्बलू पार्बलू बैठे हुए हैं, पार्बलू उसमें डीनो है सारे। ये भी मैंने सेपरेट किए पेरेंट्स। अच्छा, इधर ये लुटिनो है, मेरे पे फिशरी है अलहमदिल्ला, और उसके साथ ग्रीन ऑफलाइन है और ये पार्बलू ऑफलाइन है। ये डीएनए करवाए हैं, ये मेल है अलहमदिल्ला, लेकिन ये भी अभी बुक हो गए ये वाले।
अच्छा अच्छा जी जी। तो इसके अलावा जो बर्ड्स हैं अर्शद भाई वो सेल करेंगे आप क्या, क्योंकि व्यूअर्स अक्सर पूछते हैं कि जो आप वीडियो दिखा रहे हैं वो उसमें से जो चीज़ सेल के लिए है। इंशाल्लाह देखें, इसमें ये होता है कि बुकिंग हो जाती है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कुछ हुआ तो कॉन्टेक्ट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह कर दूँगा। अभी इसमें भी ये है, एक तो टॉपलाइन है ये वॉलेट और वो ग्रीन ऑफलाइन है, लोटिनो है, स्प्लिट एल्बिनो है, इस तरह से ये जो बारब्लू है ये स्प्लिट ऑफलाइन भी है। अच्छा जी, इस तरह से यहाँ पे कुछ ऊपर जो है ये कुछ स्प्लिट है एल्बिनो के, ये बैठा ये स्प्लिटिनो है सारे। हाँ यहाँ पर ये सारे जो जो मेरे आपको, अच्छा ये जो है ये पसराटा है जो मैंने आपको दिखाए थे, ये उन्हीं की फील्ड है सारी। अभी आप देखें मैंने काफ़ी बार अलहमदुल्ला मैंने सेल आउट कर दिया है मेरे हो गए, लेकिन अभी भी ये कुछ बच्चे हैं ये रुके हुए हैं और बाकी मेरे पास अलहमदुल्ला फ्रीज आ रही है। ये सारे पसंद है, इधर मैंने सारों को पसंद रखा है। इनमें भी ये सारे पसंद हैं, ठीक है जी। व्यूअर्स, जैसा कि आपने अर्शद भाई की माशाल्लाह से जो पियर अर्शद भाई के ब्रीडर लगे हुए हैं और उनकी जो ब्रीडिंग आई है इस सीज़न की, तो वो भी आपने माशाल्लाह अर्शद भाई ने सारी अपनी आपको वन बाय वन एक एक पियर की जो प्रोग्रेस थी वो आपसे शो की, तो उम्मीद है आप सब भाइयों को हमारी वीडियो अच्छी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर इसी टॉपिक किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।